ज्योति क्या है हमारा किमिन सर्कल से जो लास्ट टाइम बीजेपी के अंदर में ही जो प्रजन विधायक को वोट मारा था वो लोग भाजपा के अंदर में ही अभी मेरे लीडरशिप में काम करेगा बोलकर आज अराउंड 600+ वोटर्स ज्वाइन किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ के किमिन वासियों को और जो लोग ज्वाइन किया है उसको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और उनको हमारा टीम विवेक में भाजपा के अंदर में स्वागत करता हूँ। सर मेन मैनिफेस्टो क्या होगा डेवलपमेंट को मुद्दे को लेकर या इस पे आप चीज पर? अभी मैनिफेस्टो बना रहा हूँ लेकिन बहुत सारा पॉइंट में से टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी होगा मैं विधायक बनने के बाद में असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री सीमा का जो विवाद है उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाने का कोशिश करूँगा और बाकी जो है जैसे चुनाव का डेट अनाउंस होगा मैनिफेस्टो आ जाएगा। सर कौन कौन सी पार्टी से ज्वाइन किया आज काफ़ी लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन? ये एक्चुअली ऐसा है जो आप भाषण में भी सुना होगा भारतीय जनता पार्टी में हर जगह पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 3, 4, 5 मतलब टिकट का दावेदार है। तो उसमें से 14 लोगों में भी ऐसे ही हाल है कि प्रजन विधायक भी बीजेपी का है और मैं भी भाजपा का प्रवक्ता होके दोनों दावेदार हैं। तो इसमें ये है कि एक टीम हाली है एक टीम विवेक है भाजपा के अंदर में ये है सब भाजपा का ही कार्यकर्ता है। लास्ट टाइम जो हाली साहब को टिकट मिला था उसको सपोर्ट करता है इस बार 2024 के लिए ये लोग टीम विवेक को या नाबम विवेक को सपोर्ट कर रहा है। वैसे भाजपा का ही अंदर में टिकट का लड़ाई चल रहा है। अच्छा सर जैसे कि आपने कहा कि आपका मुद्दा रहेगा जो बाउंड्री ये जो इशू है आप उसको लेके चलेंगे तो पहले जो क्या कमी था जिसको लग के बाउंड्री इशू जो मतलब पहले भी बीजेपी का ही MLA हैं अभी जो प्रेजेंट हैं उनमें क्या कमी था सर आप किस तरह से आगे? कमी ऐसा है उनको ये बाउंड्री को सोल्यूशन करने का मौका मिला था रीजनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था आप सबको पता है लेकिन उसमें जो हमारा विधायक ने उसका नेतृत्व में जो रिपोर्ट बनाया है उसको हमारा पब्लिक मंजूर नहीं है। उसका चलते हमारा एक भाई नाबम अकिन का नेतृत्व में दलित होमेन का नेतृत्व में पपुमबारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर कमेटी बनाया हुआ है और हम लोगों ने भी सभी लोगों ने विचार करके मुख्यमंत्री को पेमा खांडू जी को रिक्वेस्ट कर वो जो रिपोर्ट था रीजनल कमेटी का असम काउंटर पार्ट तक सबमिट करने नहीं दिया है इट अनरिजॉल्व्ड। तो हमारे विधायक ने ये अपना मौका खोया। तो सर ऐसे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट लोग बोलते हैं अगर हमको टिकट नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट बार इस बार नहीं आएगा तो अगर आपको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का तो आप अभी जो लोगों का जो मूड देख रहा है पार्टी कार्यकर्ता का मूड देख रहा है हमारा मंडल परिषद का भाषण भी आपने सुना है टिकट नहीं मिलने का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो विनिंग चांस को देखकर टिकट देगा। यहाँ का जो पब्लिक जो है यहाँ का प्रेजेंट विधायक का थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हुआ है और पार्टी को अच्छा संभल नहीं संभल सका है इसलिए पार्टी का जो बैनर में ये लोग पब्लिक लोग रिवोल्ट हो गया कि नवम में भी को है चाहिए चेंज ऑफ लीडरशिप बोला है तो बीजेपी को खराब नहीं पाता है मोदी का विजनरी और हमारा पेमा खांडू का लीडरशिप वो पब्लिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर है अच्छा काम कर रहा है बोल के लेकिन उसको लीडरशिप चेंज को करना है बोल के विवेक को डिमांड कर रहा है बहुत कुछ ये कर लेगा वो उसका तो पढ़ा लिखा आदमी है समझदार है पब्लिक उसको चाहता है वो थोड़ा एक्सपीरियंस आदमी है तो शायद विनिंग चांस देख के हम लोग बीजेपी लोग तो विनिंग चांस को देखता है जो अभी देश भर में मोदी का लहर में चल रहा है यहाँ में पेमा खांडू का लहर में चल रहा है पब्लिक जो है पेमा खांडू बहुत पसंद करता है मोदी को पसंद करता है उसके साथ में हमारा जो पब्लिक का डिमांड है कि विवेक को चाहिए। अच्छा क्या क्या तो खामियाँ खुद मतलब अच्छा देखते हैं आप विवेक साहब जो 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 चीज़ जो जुनून होता है जो चीज़ अच्छा ये आपका डिमांड कर रहा है अच्छा वाला अच्छा चलता है पार्टी को भी वही अच्छा चला रहा है इसलिए हम लोग उसके साथ में हम विवेक एक लड़का ऐसा है कि लड़नेट है और मोर ओवर उसका सपोर्टर एसिस्ट जो होम मिनिस्टर है लेक्चरर है तो वो उसका साथ देख के वो एक इनर्जिटिक एक ये लड़का है कि वो आगे जाके पब्लिक के लिए अच्छा काम करेगा और ये रिगार्डिंग बाउंड्री ये दोनों गवर्नमेंट को मिल के ये जो लोफी सिस्टम को सॉल्व करेगा सॉल्व करके रिपोर्ट भेज के क्षेत्र से वो जरूर अप्रूव दे देगा ये आशा है। थैंक यू सर।